नमस्कार दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और प्राध्यापक के परीक्षा का परिणाम आ चुका है। 700 कुछ लोग इसमें क्वालिफाई हुए हैं और इन 700 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 30 सितंबर का दिन दिया गया है। 30 सितंबर यानी कि सोमवार का दिन है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया कैसे होती है और क्या क्या करें, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले एसएससी के वेबसाइट पर जाना है। एसएससी के वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन रहता है। आप अपने संबंधित क्षेत्रीय एसएससी के वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर एसएससी के मेन वेबसाइट पर जा सकते हैं। उस डाउनलोड लिंक में आपको ढेरों डॉक्यूमेंट्स के सैंपल मिलेंगे। आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार डॉक्यूमेंट निकाल लेना है। जैसे मान लीजिए आप एससी एसटी ओबीसी में हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होगा, वो निकाल लेना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो उसका फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट निकाल लेना है। फॉर्मेट निकालने के बाद उस सर्टिफिकेट को संबंधित प्राधिकारी या डिपार्टमेंट से आपको साइन करा के रखना है। दूसरा है, आप फॉर्म भरते समय आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी यानी कि पात्रता थी, उसके अनुसार जो जो प्रमाण पत्र मांगा गया है आपसे, यानी कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट क्लास ट्वेल्थ का, बीए का, एमए का, कोई पीजीडीटी या कोई डिप्लोमा है वो, या फिर आपके पास कोई और प्रमाण पत्र हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता से संबंधित आपके पास जितने भी कागजात हैं वो सारे कागजात एसएससी वाले चेक करेंगे। देखा जाएगा कि वो सारे प्रमाण पत्र आपके सही हैं या नहीं हैं, किसी सही इंस्टीट्यूशन से जारी किया गया है या नहीं है। इसके लिए मैट्रिक स्तर से लेकर के आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी हो वहाँ तक के सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल आप लेके जाएंगे। ओरिजिनल के साथ साथ मैं सलाह दूंगा कि सबका दो कॉपी आप फोटो कॉपी रख लीजिए और सेल्फ अटेस्टेड रख लीजिए। वहाँ एक कॉपी आपसे ली जाती है, पर स्टैंड बाई आप हमेशा एक कॉपी लेकर जाइए। यदि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या पीएच कैटेगरी में हैं, तो आपको एसएससी के वेबसाइट पर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से डाउनलोड सेक्शन है, वो डाउनलोड सेक्शन से आप संबंधित प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लें और उस प्रमाण पत्र को संबद्ध अधिकारी से या जहां से हस्ताक्षर करवाना हो उसको करवा कर रख लें। कुछ लोग अनुवादक की परीक्षा के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इस आधार पर दिया था कि उनके पास हिंदी या अंग्रेजी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं रहा होगा, पर उनका मीडियम ऑफ स्टडी हिंदी या इंग्लिश रहा होगा। ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि अपने इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज से या यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर आप अपना मीडियम सर्टिफिकेट लिखवा लें। वो लिख करके दे देंगे कि प्रमाणित किया जाता है, इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर सो एंड सो हैज स्टडीड दिस कोर्स इन ये मीडियम, जो भी आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम है वो आप सर्टिफाई करा के रख लीजिए, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको अपने फोटोग्राफ्स कोशिश करें 5-6 कॉपी एक्स्ट्रा ले लें। कई बार वो मांगते हैं, कई बार नहीं लगता है, तो आप अपने फ़ोटोग्राफ्स ले लीजिए। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ है वो ले लीजिए, आइडेंटिटी प्रूफ और साथ में उसकी जेरोक्स कॉपी। आइडेंटिटी प्रूफ दो प्रकार का जरूर ले जाइए। आजकल आधार कार्ड आम है और पैन कार्ड भी अमूमन सभी लोगों के पास होगा, तो आप यह दो प्रमाण पत्र लेकर के जाइए। जो लोग कहीं नौकरी में हैं और उन्होंने फॉर्म भरते समय बताया है कि मैं नौकरी में हूँ, या फिर आप पे फिक्सेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जहां काम कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाएं। इसके अलावा जो लोग पहले से नौकरी में हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाएं, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हो सकता है आपको मेरिट में ऊपर नीचे होना पड़े, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बड़े काम की है। हर चीज़ का आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट लेकर के जाएंगे। अब बात आती है, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि मैं अपना रीजनल सेंटर कैसे पता करूं। आप जिस क्षेत्र में परीक्षा दिए हैं, किसी ने उत्तर प्रदेश से दिया, किसी ने बिहार से दिया, किसी ने कर्नाटक से दिया, आपके एडमिट कार्ड में उस क्षेत्र का रीजनल सेंटर का नाम लिखा होगा या उसके वेबसाइट का लिंक लिखा होगा। आप उसके वेबसाइट के लिंक पर या उसके नाम के आधार पर एसएससी की वेबसाइट पर चीज़ें ढूँढ सकते हैं। इसके बाद आता है कि आपको जानकारियाँ कैसे मिलेगी। देखिए, कई बार पहले तक होता था कि एसएससी मेल करती थी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस दिन है, आपको ये लेकर के आना है, लेकिन आजकल कई संस्थाएं मेल नहीं करती हैं, तो आपको हर तीसरे चौथे दिन वेबसाइट देखता रहना होगा कि जिस दिन वेबसाइट पे अपडेट आता है उसमें सारी जानकारी रहेगी,
वो जानकारी लेकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। आपको एक टाइम स्लॉट दिया रहता है, आप प्रयास करिए कि उस टाइम स्लॉट के कम से कम आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद भी आपको लगभग दिन भर रुकना पड़ सकता है। तो साथ में अपना नाश्ते का पैकेट जरूर लेकर के जाएं, असुविधा में ना पड़े। जिन मित्रों को सफलता मिली है उनको ढेरों शुभकामना, जिन मित्रों के पास क्वालिफिकेशन नहीं है वो भी अगर इस प्रक्रिया में शामिल होने चाहते हैं तो एक बार चले जाएं, देख लें कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आगे के लिए अच्छा रहेगा।